प्रेज लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। सुबह की आठ बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे जीजू 31 तारीख और जून महीने 31 तारीख इसलिए लिखी है क्योंकि आज 31 तारीख है और आज हमारी नाइट प्रेयर समाप्त हुई। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे और जून के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारा परमेश्वर जून में सब कुछ पूरा करे। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये प्रार्थना है और परमेश्वर से हमारी ये निजी प्रार्थना है। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद के साथ कि जैसे आपने नाइट प्रेयर को सही सलामत सामर्थ्य के साथ बिताया, जून में जो भी हमारा टारगेट है उसे पूरा करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तेरी इच्छा हमारी जीवन पूरी हुई। पिता आपने नाइट प्रेयर को कंप्लीट किया, धन्यवाद करते हैं। और जून में जो आपने काम दिया है हम वो कर पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे जीजू, जो काम देते प्रभु वो खुद करवाते और आप भी शामिल हुए इस नाइट प्रेयर में, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जून की जो भी योजना है, जो भविष्यवाणी है वो प्रभु बताएंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि धन्यवाद देना है। अभी जो नाइट प्रेयर गई, बीता महीना गया, उसके लिए भी और आने वाले महीने के लिए यानी कि जून में हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर सब कुछ ठीक रखे और जो काम प्रभु ने दिया है उसे हम कर पाए। एक वचन दिया प्रभु ने, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है वचन संहिता 103, लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य के। फिर क्या लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वाक्य में परमेश्वर के उपकार बहुत है। आज हम जीवित है ये भी उसका उपकार है, हम खा पी रहे उसका उपकार है, हम अच्छे कपड़े पहन रहे ये उसका उपकार है, हम कमरे में बैठे हुए ये भी उसका उपकार है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, बहुत लोग ऐसे जिस पे खाने को पैसे नहीं होते, खाने को खाना नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हमें तृप्त कर रखा है ये उसका उपकार है। दूसरा, हमें जीवित रख रखा है और नाइट प्रेयर को कंप्लीट सामर्थ्य के साथ कंप्लीट किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। फिर क्या लिखा है, वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। बिल्कुल उसका उपकार है, यीशु मसीह का जीवन भेजा ताकि मुझ जैसे पापियों को भी क्षमा मिल सके। फिर क्या लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वाक्य में हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और वही तो तेरे सब प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वह तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पर्दा से तृप्त करता है। वाक्य हमारी जो लालसा होती है, जो हमारी कल्पना होती है उसको सिद्ध करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान क्या होती है, नई हो जाती है। यहोवा सब पीसे हुए के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। वाक्य में हमारा और आपका परमेश्वर महान है। आज प्रभु ने यह वचन दिया है, धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना आगे बढ़ाएंगे और जून के महीने के लिए सुरक्षा मांगेंगे, प्रार्थना मांगेंगे ताकि सबके घरों में जून का महीना एक खुशहाल बन के आए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करते हैं, नाइट प्रेयर हमारी कंप्लीट हुई, धन्यवाद करते हैं। जो आपने सामर्थ्य, वचन, दर्शन सब कुछ दिखाया है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत लोग शामिल हो सके धन्यवाद करते हैं, जो नहीं हो पाए लेकिन तेरा दास हुआ तो सभी लोग हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब जून में भी हमारा जो टारगेट है पिता, जो आपने हमें दे रखा है उसे पूरा कर सके और जून का महीना सुरक्षित जाए, चिंता फ्री जाए और गवाहियों के साथ आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आज मैं नाइट प्रेयर कंप्लीट, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना का जवाब आपके पास है और वो हमारी लाइफ में आएगा, हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। परमेश्वर को आशीष दे, जय मसीह।